इस बार हम 9x16 का व्लॉग बनाएंगे और देखते हैं कैसा होता है। हिस्ट्री में पढ़ा था दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। देखो मैंने कहा था ना, ये पूरा ब्लैक सैंड है, पूरा ब्लैक सैंड है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जिस समय पर ये व्लॉग देख रहे हो उस समय की सबसे बेस्ट विशेष आपको। आप सोच रहे होंगे इस बार थोपड़ा नहीं दिखा, कुछ और दिख रहा है और ये डिफरेंट एंगल में दिख रहा है। तो यही आपको बताना था कि मैं आज तो एक डिफरेंट एंगल से व्लॉग करने वाला हूँ, फुल स्क्रीन व्लॉग्स। और इसका रीज़न ये है क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग एक्चुअली टीवी पे 16x9 में देखते हैं, तो मैंने सोचा जा रहा था कि लोग सब फ़ोन पे ही देखते हैं। तो इस बार हम 9x16 का व्लॉग बनाएंगे और देखते हैं कैसा होता है। मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे आया हूँ दमन में। कल रात को ऐसे ही बिना बोले, कुछ प्लान नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकल गया था धड़ाम से। जैकेट पहन लिया, जूता पहन लिया, बाइक में फ्यूल अप कर दिया, लूप कर दिया, निकल गया। अपना काम ऐसे ही होता है, कुछ और नहीं होता है, जैसे मन करो वैसे निकल जाओ। तो निकल गया था, बहुत ट्रैफिक था कल निकलते निकलते। 5 बजे निकला था और आपको पता है बॉम्बे का ट्रैफिक, दहीसर पहुँचते, मीरा रोड पहुँचते 1 घंटा लग गया, फिर वहाँ से यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 9:30 बज गया था। छोटा मोटा एक होटल ले लिया था टेम्प्ररी, बस अभी नहा के निकला हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा नज़दीक के आज बाजू के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर लूँ और फिर बाद में देखते हैं, वहाँ से जब मन करेगा तब वापसी मुंबई के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि बॉम्बे जाने के लिए फिर वही 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि 2-3 बजे तक निकल जाए दिन दिन में। कैसा लगा आपको ये सेटअप, या आप मुझे व्लॉग में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो यही कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी। एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हो जाएगा, डिफरेंट स्टाइल हो जाएगी, बाकी सब लोग के व्लॉगिंग पैटर्न से डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है। तो देखते हैं आगे जाके कि क्या क्या दिखता है, क्या क्या, मतलब एक तो फोर्ट है और लाइट हाउस है वहाँ का, बीच है, तो ये 2-3 जगह तो फिक्स है, बट उसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं जल्दी जल्दी में तो करेंगे हम। ये तो अपना आ गया फोर्ट, काफ़ी नज़दीक नज़दीक है सब लोकेशन यहाँ पे। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी आया था, तो यहाँ से बहुत कुछ, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और ये रहा सामने अपना टैंक, इसके आगे मैंने हमेशा फ़ोटो निकाला था हमने, तो लास्ट टाइम मैं और भरत एक मेरा फ्रेंड था वहाँ पे भी आए थे हम लोग, यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले थे। तो देखते हैं वापसी में फ़ोटो निकालेंगे इसके आगे। बाकी यार ये फोर्ट अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये नाइसली मेंटेन। चलो आगे चलते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं अंदर की तरफ। ये एक्चुअली विलेज की तरफ लेके जाएगा अंदर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप देख सकते हो ये सब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज बने हुए हैं, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने को। ये शायद से मूवी की शूटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे होती हुई होगी, अमेजिंग है ये पार्ट, देख के ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं लोग, आप देख ही रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे कंट्री में आ गए हैं। अच्छा है ना, एकदम ओल्ड सिविलाइजेशन कह सकते हैं यहाँ पे इसको, ओल्ड कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यहाँ के घर है देखिए, पूरे कलरफुल वगैरह बने हैं, मतलब टिपिकल कलरफुल बनाया है इन्होंने, इतना अच्छा लग रहा है देखने को। यहाँ पे मैं पहली बार तो नहीं आया हूँ, बट अच्छा लगता है जितने बार भी आप आते हो ना यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। ओह तोप, ये आर्मी मिलिट्री एरिया है तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कैमरा तो वहाँ पे अलाउड है नहीं है। तो अब हम स्ट्रेट जाएंगे उस दरवाजे से आगे और देखते हैं हमको कहाँ तक जाने मिलता है। वहाँ पे एक अच्छा एक डेड एंड है जहाँ से समुंदर दिखेगा, लेफ्ट में फोर्ट है। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर। ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा कैप्चर करने को, एकदम सुकून वाला रोड है, यहाँ पे ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। मुझे लगा शायद भीड़ होगी, संडे होगा, बट कोई दिख तो नहीं था इतना। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम आए थे, हमने बाइक वहाँ पे खड़ी करके ऊपर गए थे हम लोग लाइट हाउस की तरफ। अब देखते हैं कहाँ तक जाने को मिलता है। बस ये हमने बाइक यहीं पे लगाई थी, ये काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया है लोगों ने अभी। ये रहा अपना लाइट हाउस, ब्यूटीफुल। चलो ऊपर जाके देखते हैं कि क्या कुछ दिख पाता है अभी हमको, एक बार नज़दीक से एक शॉट मिलेगा तो मज़ा आएगा।
तो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे दमन में। दमन फोर्ट है, ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है। पीछे लाइट हाउस आपने पिक्चर्स में देखा होगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री हुई थी, वो हमारा भारत का फ्लैग है। अच्छी तरह से आपने देखा होगा स्लो मोशन में, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी बारिश गिरी थी तो मैं रुक गया था, तो अभी फिर से बारिश क्लियर हो गया है। तो अब आपको मैं यहाँ का एक टूर कराता हूँ। ये एक टावर है अपना, मस्त बहुत ब्यूटीफुल। इसके आगे मैंने बहुत सारे फोटो और पिक्चर्स निकाले हैं। और दोबारा से बारिश चालू हो गई है, उनको दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। तो फाइनली बारिश चली गई है। ये कब से ऐसे ही हो रहा है, जब भी मैं कैमरा निकलता हूँ बारिश आ जाती है, फिर मैं कैमरा बंद करता हूँ बारिश चली जाती है। तो ये कब से ऐसे ही हो रहा है, हाइड एंड सीक वाला गेम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड आप देख ही सकते हो पीछे, ये पीछे लाइट टावर है, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये अपना दमन का पिलर है, आप देखो इस पर क्या लिखा हुआ है। ये मैंने ना हिस्ट्री में पढ़ा था, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव टूरिज्म स्मॉल इज बिग। ये यहाँ से ऊपर भी जा सकते, बड़ी लॉक है और ऊपर से ना अमेजिंग व्यू होगा। ये अपना लाइट टावर है जो बहुत फेमस है दमन का। और पीछे ना मरीन ड्राइव है, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। और ये फोर्ट है, उस तरफ भी एक फोर्ट है और वो जमपुरे बीच है, नज़दीक लेके आता हूँ। और वो अपना दमन का फेमस ब्रिज है, जहाँ से हम क्रॉस करके, हम एक्चुअली जब बॉम्बे से आते हैं ना तो उस तरफ से आते हैं और वो ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, तब जाके हम ये छोटा। और यहाँ पे ना एक दो तरफ, एक छोटा दमन बड़ा मेन दमन ऐसे करके कुछ है लोकेशन। आओ मैं आपको थोड़ा सा जमपुरे बीच का व्यू दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल था ना ये व्यू, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से, इसलिए मैं नीचे नहीं गया। मैं सोचा कि पहले ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि नीचे से जाके ना ऊपर का व्यू इतना दिखता नहीं, बट ऊपर से नीचे का व्यू अमेजिंग लगता है। तो चलो अब वो बीच की तरफ जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो वहाँ पे बाइक लगा के दो तीन मस्त फोटो निकालते हैं और थोड़े बहुत वीडियो भी बनाते हैं। चलो तो हम लोग निकल गए यहाँ से फोर्ट से, और हम सोच रहे हैं कि पीछे की तरफ जाएंगे वहाँ पे अपना मरीन ड्राइव की तरफ। जैसा अपना मरीन ड्राइव है बॉम्बे में, वैसा एक मरीन ड्राइव यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। आपको मैंने ऊपर से दिखाया था, अच्छा लग रहा था। अब वहाँ पे एक्चुअली जाके दो तीन पिक्स निकालेंगे और वहाँ पे थोड़े देर बैठेंगे सुकून से। और ऑन द वे पे हमको जमपुरे बीच भी दिखने वाला है, ठीक है। ये रेवका बीच है मेरे ख्याल से, तो चलो चलते हैं आगे और वहाँ पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जमपुरे बीच, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। कल मैं यहाँ पे गलती से आ गया था, होटल ढूंढते ढूंढते लोकेशन डाल के। तो ये वो बीच है जो बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से अंदर जाने को दे तो रहे बट कल रुका रहे थे, अब हम चलेंगे इस तरफ। चलो ये एक ऐसा बीच है ना, मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, इसकी पूरी रेत जो है ना ब्लैक कलर की रेत है, ब्लैक सैंड। आपको मैं दिखाऊंगा वंस आई गो इनसाइड। वो रहा टावर हाउस जहाँ पे हम लोग गए थे, तो हम उस तरफ तो जाके आए थे, वहाँ पे डेड एंड है। तो अब थोड़ा सोचा कि इस तरफ एक राउंड मार ले, पूरा मरीन ड्राइव जैसा बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली मुझे वर्ली बीच का और कार्टर रोड का फील दे रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू सी इंडियन फ्लैग्स, ये देख के ना मुझे और अच्छा लगता है देखने को। बैठने का मन कर रहा है बट बहुत धूप है, टाइम कम है, रिटर्न भी जाना है, क्योंकि हमको रिटर्न में मुझे अंधेरे में जाना नहीं है। कल ये लोग ने ये बंद कर दिया था क्योंकि ये रोड अलाउड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई यहाँ पे मिनिस्टर वगैरह आए थे तो उन्होंने यहाँ पे रोड बंद कर दिया था। आओ आपको मैं थोड़े से समुंदर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा बीच, देखो मैंने कहा था ना ये पूरा ब्लैक सैंड है, पूरा ब्लैक सैंड है।
आई थिंक यहाँ पे है ना गुजरात की तरफ बहुत सारे रिफाइनरीज कंपनीज और जो भी गैस के कंपनीज है यहाँ पे ना, ठीक है, उनके वजह से पूरा पोल्यूशन समुंदर के अंदर सब क्रूड ऑयल जो भी हो सब कुछ मिक्स हो जाता है और ये सारा आके शोर पे सेटल हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ साइन। ठीक है, आई एम श्योर कि ये पानी की वजह से ना अंदर कोई भी मछली नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे पानी में, इतने सारे इम्प्योर पानी में डेफिनेटली वो सर्वाइव ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये है पूरा स्ट्रेच, ये पूरा स्ट्रेच यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आई एम श्योर मज़ा आ रहा था चलाने में। तो अभी यहाँ से हम वो मरीन ड्राइव पे जाएंगे जहाँ पे हमको जाना था टावर के पीछे, और मैं आपको टावर का व्यू वहाँ से दिखाऊँगा। चलो, तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे देवका बीच, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है। ये सारे टेंट्स है जो कि काफ़ी कॉस्टली होंगे यहाँ पे, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वो रहा अपना टावर जहाँ से हमने बैठ के फ़ोटो निकाला था। मैंने कहा था ना पूरा ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, यहाँ पे तो शायद से किसी ने पब्लिक फुटबॉल खेलने का भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अमेजिंग, वो फोर्ट है जिसके ऊपर हम खड़े रह के हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए थे, वो रहा अपना टावर। एक पिक्चर वो टावर के यहाँ से लेना चाहिए, अंदर भी जाना चाहिए एक एक राउंड मारने के लिए कहीं। तो ये बाइक पार्क करके हम यहाँ पे देवका बीच की तरफ ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीछे आपने देखा ही होगा वो लाइट हाउस है, पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा। तो ये अपना टाइगर खड़ा है, मस्त लग रहा है। तो ये पूरा बीच है और ये पीछे का ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, और ये इंटायर जो पूरा स्ट्रेच है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। मतलब लोग यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि ज़रा भीड़ नहीं है, पब्लिक रिलैक्स करने को आती है, रिलैक्स करके अपना टाइम निकाल के चले जाती है। बट अमेजिंग जगह है यार यहाँ पे, मतलब थोड़ी देर आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, सुकून से बैठ सकते हो, कोई शोर शराबा नहीं है। बस यहाँ पे आओ और सागर की लहरों को अच्छी तरह से देखो, इन्जॉय करो और थोड़ी देर में निकल जाओ। तो ये लोकेशन है, आओ मैं आपको बीच भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, चलो। मैंने कहा था यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा ब्लैक सैंड है। देखो, सुनते रहो सागर की लहरें, बहुत ही सुकून वाली लहरें यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को, पूरा ब्लैक सैंड। बाकी सब चौपाटी में आपको हमेशा व्हाइट सैंड दिखेगा, थोड़ा सा ब्लैकिश मिलेगा, पर ये तो पूरा ब्लैक है। चलो यहाँ से आगे निकलते हैं, और एक कोई लोकेशन देखना है मुझे, तो वहाँ से निकल के घर के लिए वापसी करते हैं। तो यही एक लास्ट जगह है जहाँ पे आ गए थे हम लोग। फोर्ट से सीधा आते हैं तो एक डेड एंड आता है पीछे का, और वो आपको वो दमन का ब्रिज दिख रहा है जो नानी दमन से बड़ी दमन पे जाने के लिए लगता है। तो ये रहा पीछे का लोकेशन, और बहुत ही सही जगह है ये। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से बनाया हुआ था। आई लव दमन जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से बनाया था, पूरा रेड में था, ये पूरा वॉश आउट हो गया, शायद से मेंटेन नहीं किया, बट काफ़ी अच्छा लोकेशन है। चलो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो आपने देखा होगा फोर्ट, बीच और ये लास्ट डेड एंड। तो ये व्लॉग मेरा बहुत ही छोटा था, और मैंने ये डिफरेंट तरीके से बनाया है, 9:16 में बनाया है इंस्टेड ऑफ 16:9। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा बट मोबाइल पे देखने को मज़ा आएगा क्योंकि फुल स्क्रीन दिखेगा आपको। तो ये मेरा व्लॉग बहुत छोटा था, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलता हूँ तब तक आपको मैं किसी और मानसून के व्लॉग्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।